तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से हमें क्या करना है, हमें करना है जस्ट इंसेंटिव की कैलकुलेशंस। जैसे मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्लैब्स है, 0 to 41 हुआ या 40 हुआ तो मुझे यहाँ पे 500 देने हैं, 41 to 80 हुआ तो 1000 देने हैं, 81 to 100 हुआ तो मुझे यहाँ पे 2000 देने हैं, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो यहाँ पे 5000 देने हैं। चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं, यहाँ इंसर्ट मॉड्यूल्स करते हैं, और इंसर्ट मॉड्यूल्स में हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं कि सब्जेक्ट, और यहाँ हमने R/1 ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हम देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से। अब 2 से कहाँ चले, तो प्रोग्रामिंग करते समय 2 स्क्रीन होता है तो ठीक रहता है, 2 स्क्रीन हमने यहाँ पे कर लिया, तो 2 2 हमने बोला 32। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ, देखिए 32 से आगे बढ़ सकता है, घट सकता है ना, तो इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। हमने रेंज ए के साथ 65000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो कर दिया, तो फिर नेक्स्ट आई करता। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगेगा एल्स इफ की। हमने आपको इफ एल्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अब हम बात कर रहे हैं इफ एल्स की, एल्स इफ की सॉरी। तो इफ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले ले कि डिम एस एज ए एस कॉमा आर एज ए हमने लॉन्ग, और यहाँ s इक्वल टू हमने सिंपल लिखा रेंज a के साथ कंबाइंड हुआ i डॉट वैल्यू। ओके इज, अब यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ s इज लेस देन इक्वल टू 40 देन r इक्वल टू 5। अब यहाँ पे एल्स के साथ इफ लगाएंगे और बोलेंगे कि इफ एल्स इफ एस लेस देन इक्वल टू 80 देन आर इक्वल टू 1000, एल्स एस इज लेस देन इक्वल टू 100 देन आर इक्वल टू 2000, अगेन एल्स इफ आर इज ग्रेटर देन 100 देन आर इक्वल टू 5000, और फिर यहाँ पे आप कर दीजिए एंड इफ, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो है आप दे दीजिए कि रेंज बी के साथ आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर, यहाँ पे रन कीजिए, रिजल्ट आपके सामने, समझे। अच्छा अच्छा ये एल सीफ तो है, इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट केस से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिल रही है, सिलेक्ट केस। यहाँ पे जो इफ का इतना चक्कर लगा है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट केस कौन सा हमारा है एस। अब यहां पे लिखना है केस, अब यहां पे कुछ लिख दिया बस लेस देन इक्वल टू 40 देन देन भी नहीं, माफ कीजिए कुछ नहीं, आर इक्वल टू 5। यहां पे भी दे सकते हैं कि केस 41 to 80, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर इक्वल टू 1000, केस 81 to 100 तो आर इक्वल टू 2000, केस
ग्रेटर देन 100 आर इक्वल टू 5000, और यहाँ पे क्या होगा, एंड केस नहीं होगा, एंड सिलेक्ट होगा, ठीक है सर। तो इसका यूज जैसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम इसका हमें यूज हो जाता है इसका। जैसे एग्जांपल, अभी इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैं यहाँ पे डे लिख रखा है, इसमें सैटरडे संडे मंडे इस तरह से मैंने डाला हुआ, राइट। अब मुझे क्या करना है कि अगर सैटरडे संडे आया तो हमें देना है ऑफ, फ्राइडे आया तो मुझे देना है एच डी हाफ डे, मंडे टू ट्यूजडे अगर हो तो यहां हमें आउटडोर दिखना है, समझे, आउट दे दीजिए, आउट करना है, बाहर जाना है, और वेनसडे थर्सडे क्या देना है ऑफिस। तो ये इफ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा ना, क्या सर? यहां सब्जेक्ट आर आर स्लैश थ्री ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ इफ नहीं माफ कीजिएगा डिम डे कॉमा आर, क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना, फोर आई इक्वल टू 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 17। इसको ऑटो कर सकते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको। अब यहां पे देंगे हम कंडीशन सेलेक्ट केस इसके साथ डी के साथ, और डी पहले स्टोर तक कर ले, डी इक्वल टू रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू, यहां पे देना है कि केस केस ये इन्वर्टर को हमें सैटरडे कॉमा सन, सिंपल सर, कोई इक्वल नहीं, कुछ नहीं, तो आर इक्वल टू पड़ेगा, हाँ शायद फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं, चेक कर लेंगे, इसमें तो फर्क पड़ता है, इसका थोड़ा सा पता नहीं। फिर यहाँ पे अगेन केस यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्टर कॉमा फ्राइडे, तो आर इक्वल टू हाफ डे केस सीधे यहाँ पे मंडे कॉमा और होता है, समझे, okay, दोनों में से कोई एक एक हुआ तो वर्क कर जाए, आर इक्वल टू एंड नहीं, इसमें एंड नहीं लगता, अच्छा। इसलिए तो इफ पर आया, अगर सब काम इसी से हो जाता तो इफ क्यों पर आता, अच्छा क्या, तो आर इक्वल टू ऑफिस, और फिर यहां पे एंड सेलेक्ट रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, डन कीजिए। आप बोलते हैं सैटरडे से ऑफिस होता है कि नहीं होता है, मैंने केस सेंसिटिव, मेरे हिसाब से केस सेंसिटिव होगा,
है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने सीखा इफ, इफ के बाद आपको सिखाया मैंने और एंड, साथ में आपको मैंने नेस्टेड इफ भी सिखाया था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाना, हाँ जी जी बताया था ना सर सुरेंद्र जी। हाँ सर, हाँ सर बताया था। और फिर मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाया, और इफ एल्स के सब्स्टिट्यूट हमने एंड और केस पढ़ाया, सिलेक्ट केस। तो यहाँ पे लॉजिकल जो आपका कंडीशंस है यहाँ पे होता है खत्म, लॉजिकल कंडीशंस यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब आप क्या कीजिए, सारे इफ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कल 10 क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि इफ और लूप से रिलेटेड होगा, ठीक अच्छा, तो आज क्यों नहीं, आज नहीं आज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर आपका कोर दिमाग क्वेश्चन पे होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे।